तो आज हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। सुमित हाँ, आज हमारा भाई साहब छक्के मारे हैं, छक्के ये मिलते हैं ग्राउंड में। अरे जोगराज फोन तो कर। तो हमारे दोस्त जोगराज से बात करते हैं और वो हमें घर पे बुलाता है कि चाय पी के घर से निकल लेंगे साथ में। तो ये है द्वारकापुरी, यहाँ हमारे दोस्त जोगराज रहते हैं जिन्होंने मैच लिया है। हमारे दोस्त जोगराज के पास आए और मैच तो ले लिया उन्होंने, देखते हैं क्या होता है आज। तो पहले हम उनके साथ जाएंगे यहाँ से। उन्होंने बहुत ऊपर ले रखा है, लिफ्ट भी नहीं है यहाँ पे। तब तो नहीं गया तुम क्रिकेट भी खेलने? भाई क्रिकेट तो हमारा यही हो गया, लेट चलते चलते। हाय हेलो, सारे ने बहुत ऊपर लिया, ये क्रिकेट हमारा यही हो गया, खेला नहीं जाएगा। इनको गौर से सामने ये मैच लेने वाले जिन्होंने मैच लिया है। तो है वैसे ही। हेलो बेटा, क्या चाल? हाथ भी मिले? ये मिली है भाई साहब हमारे शक्ति दादा। देख शक्ति कपूर, मारो शक्ति कपूर जी से। थर्ड एम्पायर जो आज के मैच में एम्पायरिंग करेंगे, ये पूरे तैयार हो के आ रहे भाई साहब। देखिए केप अप लगा के पूरी तैयार है एकदम एम्पायरिंग वाली। थर्ड एम्पायर भाई साहब कैसे हो आप? तो दोस्तों यार हमारे साथ कॉमेडी कर दी जोगराज ने। बुलाया तो बुलाया इसने हमको क्रिकेट के लिए था, लेकिन अब ये हमसे यहाँ पे घर का काम करवाएगा। तो इन लोगों ने आज हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया, क्रिकेट मैच का प्लान करके हमको बुलाया। और जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला क्रिकेट मैच है ही नहीं, इसको क्या है यहाँ से मकान खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना है, तो हमें उसके लिए बुलाया है। पूरा प्लान किया, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, और जो इस प्लान का सूत्रधार है मैं आपको उससे मिलाता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। स्टॉप, यही वो बंदा जिसने पूरा प्लान बनाया हमें बुलाने का। आप इसकी भोली सी सूरत आंखों में मस्ती पे ना जाएं। इसने इसी भोली सूरत की वजह से बहुत सी का फायदा उठाया है। तो जोगरा कुछ बताओ यार इस पूरी प्लानिंग का। ये प्लानिंग का मतलब जो हेड है मैं नहीं हूँ, और प्लानिंग का हेड है नवरत्न कुमार साहब। जी हाँ, मेन हेड जिसने इस प्लान को चलाया उसका भी आना बाकी है। अभी आने वाले है गोविंद, हमारा जो कुख्यात अपराधी जो है गोविंद वो है। और सबसे बड़ी बात है कि पहला गया सुमित इसके बीच में। सुमित मेरे को बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने। सुमित वैसे बोला था कि जल्दी फ्री होके घर जाऊंगा भाई, तो अब जल्दी फ्री हो जाएगा। कितना जल्दी कर देगा फ्री? T20 घंटे भर में, घंटे भर में फ्री हो जाएगा। तो आज का क्रिकेट याद रहेगा हमको। ये बढ़ाऊंगा तेरा भाई, पूरा दिखाऊंगा भाई इसने हमारे साथ क्या किया क्रिकेट खिलाने के बहाने से, मजदूरी करवा रही है भाई। ये भी एक हमारी तरफ फंस गया, इसको भी क्रिकेट के बहाने से बुलाया गया और क्रिकेट से पहले मेहनत करा रहा ही है। तो ये हुआ भैया आज हमारे साथ। क्रिकेट के बहाने बुला लिया तुम लोगों ने, रानी तुम सबकी थी ये अरे अरे नितिन गोविंद की बॉलिंग के सामने कैसा लगा? गोविंद की बॉलिंग, गोविंद ने कहा गेम हमारे साथ लोकेशन ले उससे। तो बोला इसने क्या बोला, गरीब आ जाओ चाय वाय पियेंगे। उसको डाउट हो गया तेरी क्या होता है ऐसी बिल्डिंग, तो साला रोहित शुक्ला नहीं लगाता भाई। सुमित आज हम टुकड़े रोते अपने, कैसा लग रहा तेरे को आज? एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी भाई साहब, तो उनका 7 दिन की, ये देखो आप आज। और आज इनकी जो फील्डिंग लगी है ना वो रोहित शर्मा भी नहीं लगा पाता। तगड़ी बिल्डिंग लगाई भाई इन्होंने हमको काम करवाने के लिए। और ये है मेन हेड इस प्लान का, नवरत्न कुमावत। ये दोनों की पूरी प्लानिंग थी हमको फंसाने की, यही है वो। और सबसे बड़ा कोच यही है जिसने हमको फंसाया। ये इनकी भाई साहब प्लानिंग चल रही है, कैसे उतारना है सामान, जैसे क्रिकेट में प्लानिंग करते वैसे कर रहे हैं। तुम थर्ड पे आ जाओ, हम कर रहे हैं। साले यही था मुझे फंसाने वाला, मेन कोच यही था सुमित गंभीर, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर यही बन रहा है प्लान करने वाला है। अच्छा
ये बॉलर है मेन हमारा और ये हमारा कोच है जिसकी पूरी प्लानिंग थी। तबियत खराब थी लेकिन फोन कर दिया, वो ग्रुप में डाल दिया सबको। तो बोलो ये वो भाई साहब है जो मकान खाली करके दूसरी जगह ले रहे हैं। सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये हमारे गंभीर जो नया कोच जिन्होंने पदभारण किया है। मैं चाहता हूँ कि टीम में एकता रहे, इसलिए इनको सबको बुलाया गया है। कोच को ये इनका कहना है कि सभी ऑलराउंडर बने, सब बॉलिंग करे बैटिंग करे जैसे गंभीर की सोच है। तो आज हमारे जो पावर हीटर है मिस्टर सुमित सिपा, जिन्होंने अभी तक गोविंद का विकेट लिया है और छह बॉलों में छह छक्के मारे हैं गोविंद के। गोविंद छक्के मार रहे हैं भाई। कल हम ग्रुप में प्लानिंग कर रहे थे क्रिकेट की, तो एक प्लेयर है हमारे गोविंद, उसके लिए बारे में प्लानिंग कर रहे थे, उसको हम चढ़ाते हैं। तो इन्होंने मुझे चढ़ा दिया। ये पूरा जोगरा बताएगा किस्सा क्या था वो, कि जैसे नितिन ने चढ़ाया गोविंद को कि गोविंद कल हम पहले जाएंगे तो अच्छा खेलता है ये, और वो अलग से मुझे मैसेज पर्सनल मैसेज कर रहा था कि देख नितिन को चढ़ा रहा हूँ मैं। तो नितिन को सुमित को टारगेट किया था गोविंद ने, क्योंकि ये हमारे जो कोच साहब जो भी नए कोच बने गौतम गंभीर उर्फ कालू मित्रणा और अपने नवर्धन कुमावत जी, जिनकी पूरी प्लानिंग है ये। तो देख लिया भैया मेन प्लानिंग किन की थी, हमको क्रिकेट के बहाने से हमारे वरिष्ठ जो हमारे जो सेलेक्टर है मिस्टर हीरालाल सहरावत, उनकी अहम भूमिका थी कि हाँ नितिन को जरूर बुलाना है। सुमित आता नहीं लेकिन इसको मैं लेके आया था, मैंने कहा तू जल्दी बोल के आ जाना कि टाइम लगेगा क्रिकेट खेलने में, तो मन को तो ये बोल के आ जाना कि पापा का फोन आया जा रहा हूँ मैं। हम पहले वैसे प्लानिंग करके घर निकलते थे लेकिन आज इस बेचारे के साथ चोट हो गई मेरी वजह से। ये भी अटक गया बेचारा, ये भी एक बहन उप कोच है मिला हुआ, ये भी इनका साथी मिला हुआ साथी नहीं है। और पावर प्ले चल रहा है अभी तो, पावर प्ले की लास्ट ओवर है, उसके बाद में एक भी सो भाई अपन सामान लेके चलते हैं। मैं तो एक चीज बता, सामान लेके जा रहा है तो वो मकान कर दो उनके बाद अपन तो वहीं से पक जाएंगे। बता क्या करेगा, मैं तो वहीं से पक जाऊंगा भाई। देखिए क्या हालत हो गई बेचारे सुमित की, जिंदगी में कभी क्रिकेट खेलने नहीं आएगा भी ये। अगर कोई ये बोलेगा कि क्रिकेट खेलने चल रहे हैं तो क्या करेगा भाई सब, ऐसा मैंने संन्यास ले लिया क्रिकेट से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भैया, भैया का वही था पूरी प्लानिंग थी सुमित, पूरा सेट किया हुआ था इन्होंने ये। मैं पुराना मैसेज पढ़ूंगा भी हंसते बावड़ो। अब यहाँ से खाली करके अब जहाँ भरना है वहाँ जा रहे पिकअप में लोड करेंगे। एक पारी खत्म हो चुकी है, ये अच्छी चीज है कि हम मजदूरों को ऐसी सुविधा मिल रही है, हम वैगनार में बैठ के जा रहे हैं। एक पारी खत्म हो चुकी है, अब पीछे वैगनार आ रही है, वो आ रही है पीछे पीछे। हाँ लोडिंग टेम्पो आ रहा है हमारा, दिख रहा है शायद, दिखेगा नहीं। हाँ आ रहा है वो, देखो मैं पिकअप आ रही है। तो मजदूरों को देखो क्या यहाँ पे, देखो पेड़ देखो इनके मजदूरों के देखो। तो आज जो किया वो याद रहेगा हमको, बहुत गलत किया जोगरा तूने मेरे साथ। ये सीपीएल के नाम से मतलब यार अगली बार ऐसा क्रिकेट खेलने आओगे तो मतलब बुलाऊंगा। तो देखिए पैसे को लेके मजदूरों में लड़ाई, लड़ो लड़ो लड़ो, अरे और मारो, अरे मारो, अरे बेंच मुझे नहीं, अरे मजदूरों ए जोगरा पैसे दे इनके भाई मजदूरों के, अबे लड़ मर गए वो, ओए लड़ो मत, अब मैं गाड़ी उतर मैं दोनों टोकूला बहुत कुछ बटे जाएगा, हम लोग बटे खा सकते हैं ध्यान रखो। जोगरा लड़के पैसे दे इनको, इनको उतार। तो शांत हो गया, प्यार की लड़ाई थी। अच्छा लड़े क्यों थे तुम दोनों? पैसों की बोला मैंने ज्यादा काम करा। तो करा ही दे बे, आज छिलके पूरे। तो उसने नया जो मकान लिया ये है इसका रूम। तो ये तो गया भी मस्त है ना, तो ये हवा आ रहा है सर। ऐसे नहीं आएगा, ऊपर से भी नहीं आएगा ये।
तो दोस्तों हमको ये पलंग रखना है, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं कैसे रखेंगे। ये देखिए बड़े बड़े ज्ञानी लगे पड़े हैं इधर। एक ज्ञानी बोला इधर से ऊपर से पहुंचा दो, ये ज्ञानी जी बोले रस्सी बांधो, ये ज्ञानी जी बोल रहे हैं मेरे ऊपर चढ़ा दो मैं ले जाऊंगा इसको। अब आडियो टिकेगा, ये लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए, लकड़ी टिकते हैं, वीडियो बना रहे हैं यार, टिक जाएगा ये अभी। श्री राम क्या हम तो धक्का लगा, देख कितना जात लगा रहा, देख तो दम लगा। हमारा पलंग आ चुका है ऊपर, बहुत मेहनत किया हमारी छोरों ने, बिहार से मंगाया, ये बिहार से मंगाया मजदूर, इसने बहुत मेहनत की। योगेंद्र पानी पोते, ये आया बंगाल की खाड़ी से, देखिए खून आ गए इनके। वाह भाई बहुत मेहनत की इस छोरे ने। ये पकड़ो, ये कड़ी बोलते हैं, इसको ड्यू बोलते हैं। तो कुछ खाने पीने का आइटम लेके आए हम, तुम्हें क्या क्या लेके आया? मिठाई, कचौरी और ड्यू, प्याज की कचौरी, हीरा लाल जी तो भाई साहब हमारे गुरु जी है, वही एक कोच जिसने बिल्डिंग कमाई है। आज के मैन ऑफ द मैच सबसे ज्यादा बेस्ट मजदूरी है इसके, ये डोले सोले देखो, डोले सोले से इसने बहुत मेहनत करी है, इस शक्ल से थोड़े काले हैं पर मन के गोरे। बोल भाई, बहुत बढ़िया रहा आज का प्रोग्राम, ये सारे धुंधे चाट आ गए, इनको तो कचोरी मीठा चाहिए था, जो जोगराज को कह के मंगवाया इनके लिए, और ये पेट भर लिए, अभी इनको रवाना कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, अब हमारा अलग काम है, अलग मूड है, वहाँ जाएंगे उसके बाद में सोचेंगे क्या करना। चलिए जैसा भी था अच्छा था, काफ़ी मज़े किए, क्रिकेट खेले नहीं लेकिन ये क्रिकेट से कम भी नहीं था, और सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद मिले सब। और आज फ्रेंडशिप डे है तो मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।